हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिसमें हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो एक्स की जो इक्वेशन होती हैं, जिसमें वन वेरिएबल होता है और लीनियर इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आपको ये सब आता होगा, आपके लिए बेसिक होगा। लेकिन अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, एकदम बेसिक लेवल पे है, तो ये चैप्टर आपके लिए वरदान है। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो लेट स्टार्ट। तो देखो, हमारे पास, मैं किन इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ जो वन वेरिएबल यानी उसमें एक्स होगा और लीनियर होगा, यानी इसमें स्क्वायर या कुछ ऐसा नहीं होगा। तो जैसे आपके पास है एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन, ये एकदम बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इन तरीके में इसमें एक्स की वैल्यू बताओ, या फिर ये हो सकता है कि 7 माइनस 4x इज इक्वल टू 42, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना आप सीखेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, तो वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, तो यहाँ हमने x की वैल्यू बतानी है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमें, आप हमेशा ध्यान रखना, x वाली चीज़ें लेफ्ट में होनी चाहिए, बाकी राइट में होनी चाहिए। तो x तो पहले से लेफ्ट में है, अच्छी बात है। तो x के अलावा जितना भी उसके साथ कोई अदर कॉन्स्टेंट्स है, उनको भी राइट साइड में लेके जाएंगे, फाइन। अब देखो कैसे लेके जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो प्लस में होता है वो इधर जाके माइनस हो जाता है, और जो माइनस में होता है वो इधर जाके प्लस हो जाता है। आई मीन यू कैन सी इट्स इन पॉजिटिव हियर, इफ इट गोज टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये हो जाएगा, देखो, अब ये प्लस में है तो मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस -4, और एक्स आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद अगर आपके पास है एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू, ये 4x कर दो इसे, एक्स -7। यहां मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे? तो मैंने क्या कहा था, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना। तो देखो, एक्स एक यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, टेक दिस लेफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्लस का एक्स है, तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये 11 यहाँ प्लस का है, ये इधर माइनस का बन जाएगा। 4x में से 1x गया, तो क्या बचा, 3x। -7 -11 इज -18। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हमने क्या करना है। यहाँ पे आपको दूसरी बात समझनी है, अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो वो नीचे डिवाइड में आ जाता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, और ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x के साथ जितनी भी चीज़ें हैं उनको इधर लेके जाओ, लेकिन एक एक करके। तो सबसे पहले हम जो सबसे दूर है उससे, यानी प्लस माइनस के अलावा जो अलग टर्म है, उनको लेके जाएंगे। अब पहले 4 को नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है, पहले हम इसे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो, इसको हमने बिल्कुल ऐसे रखा, 7 इस तरफ जाएगा, तो क्योंकि 7 यहाँ प्लस का है तो यह माइनस का हो जाएगा, माइनस का हुआ 35। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये -4x 35 है, ठीक है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को इधर लेके जाओ। एक काम करते हैं, माइनस को यहीं पे रहने दो, 4 को इधर लेके जाओ। तो क्योंकि ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और अब ये x, अब ये माइनस साइन भी इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा -35/4। आपको समझ आ रहे हैं स्टेप्स? अच्छा, 7x/9 इज इक्वल टू 35। अब इसे सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, 7x के साथ मल्टीप्लाई में है और 9 इसके साथ डिवाइड में है, तो हमें क्या करना है, देखो, जो डिवाइड में है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी जो 7x है वो हो जाएगा 35 × 9। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, या चाहो तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो। तो एक्स हो जाएगा
अप इंटू 9 अपॉन 7, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे हम 7 से इसे कैंस काट सकते हैं, तो 7 5 35 और अब 5 9 40 5, ये आ गया x। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा x लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 8x-3x। देखो ये अपनी जगह पे था, इसका साइन नहीं चेंज हुआ, लेकिन ये इधर से इधर आया, ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया है। ठीक है, अच्छा अब ये अपनी जगह पे है तो ये माइनस का 6 का -6 ही रहेगा, बट इट इज़ -11, और ये अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +11। अब ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, 11 में से 6 गया तो बचा 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और अब क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा डिवाइड में, और 5 से 5 कैंसिल होके आ जाएगा 1, तो ये क्लियर हो गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ भी सेम करना है, पहले x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो देखो -9x अपनी जगह पे वैसा का वैसा ही रहेगा, 2x यहाँ से इधर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, इट बिकम्स माइनस एंड इट्स पॉजिटिव, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -11x, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -36। दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये -11 -36, माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, सो वी हैव 11x इज इक्वल टू 36, तो x हो जाएगा 36/11, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें क्या करना है, ये वाला x का हिस्सा है, ये पूरी टर्म x की है, ठीक है, और ये जो है तो इससे हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो लेके तो हमने सभी जाना है, 9 भी जाएगा, 5 भी जाएगा और 8 भी जाएगा, बट जैसे मैंने कहा जो दूर का होता है उसको पहले दूर भेज देते हैं। ठीक है, आई मीन टू से सबसे पहले इसको इधर भेजो, फिर 5 को भेजेंगे, फिर 9 को भेजेंगे, तो सबसे पहले किसे भेजेंगे, 8 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 9x/5 हो जाएगा ये प्लस होके 45, यहां तक समझ आ गया। अच्छा अब ये पहले ये 5 ऊपर जाएगा, 9x अपनी जगह पर रहेगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 45/5, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है यहां तक, अच्छा इसके बाद अब हमने निकालना है x, तो इस 9 को नीचे लेके जाओ क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, सो 45/5/9। अब 9 से कैंसिल हुआ, 9 5 ज़ 45, 5 5 ज़ 25, ठीक है, तो ये आ गया 9 5 45, 5 5 25, और ये 25 आंसर आ गया है, तो ये क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये x वाला, तो जैसे मैंने कहा x इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पहले 7 को इधर लेके जाओ, तो देखो 5 अपनी जगह पे है, तो पहले अपनी जगह चीज़ों को वैसे ही रखते हैं, ये 7 इधर जाएगा, -x/8 इज इक्वल टू -2। अब ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्लियर, ये x, ये 8 नीचे तो 8 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 8, यानी ये होगा 16। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, तो देखो इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे ये है ब्रैकेट, तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि 4 को सीधे नीचे लेके चले जाओ क्योंकि जो 4 है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो 4 को नीचे लेके चले जाओ, यहाँ डिवाइड में चलो ये करते हैं, तो 4 को नीचे लेके गए, ऐसा हो गया, ये कटा 3 बार, तो x+2 हो गया 3, और x निकालेंगे तो 2 इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा और x आ गया 1। दिस इज फर्स्ट मेथड। व्हाट इज सेकेंड मेथड, कि आप इसको ओपन कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस 4 का इससे करेंगे, 4 2 8 इज इक्वल टू 12। ठीक, अब 8 को पहले इस तरफ लेके जाओ तो माइनस होके ये आ जाएगा 4। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट के 1 आ गया, तो आंसर 1 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्योंकि 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो आप डिवाइड में कर सकते हैं, और अगर आपको इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है तो भी चलेगा, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं 5 को इधर लेके जाता हूँ तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि 5 पूरे के साथ, अगर यहाँ पे कुछ और लगा होता फिर नहीं लेके जाते। ठीक है, वो भी क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपको। तो यहाँ पे डिवाइड होके 2 आ जाएगा, अब 7 इस तरफ जाएगा, तो प्लस का था या माइनस का हो गया। 2 - 7 क्या होता है, माइनस का 5, और माइनस से माइनस कट के एक्स आ गया 5। ठीक है, और अगर आप इसका मल्टीप्लाई अंदर करना चाहो तो 5 × 5 = 35 - 5x = 10। अब ये इस तरफ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो -25, ये माइनस से माइनस कट गया, और एक्स करेंगे तो ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 5 बजे 25, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा कुछ और क्वेश्चन लेते, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा ताकि हमारे पास एक सीधा साधा इक्वेशन आ जाए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x, 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा 20 + 11, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 = 21, इसका फिर इससे करेंगे 6x और 8। यहाँ तक सब समझ आ गई कहानी। x वालों को लेफ्ट में लेके जाओ, तो ये x का है लेफ्ट में, और ये यहाँ जो है -6x इधर जाएगा तो +6x हो जाएगा, बाकी जितने हैं उनको राइट में लेके जाओ, तो 21 और 8 दे आर ऑलरेडी ऑन द राइट हैंड साइड। अब जो इधर है उनको इधर लेके आओ, -20 यहाँ प्लस बन जाएगा एंड +11 यहाँ बन जाएगा माइनस। ठीक है, 5 + 6 = 11x, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे, देखो ये दोनों हम करेंगे प्लस क्योंकि दोनों प्लस साइन के हैं, और ये दोनों माइनस साइन के, इनका अपना अलग प्लस होगा, तो ये हो गया 19, -8 - 11 - 19। ओके, 41 में से 19 गया कितना आएगा 22, और एक्स हो गया, अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, एक्स कितना आ गया 2। करेक्ट, समझ आ गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखो, (7/x = 5) अगर ये करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां पे क्योंकि x नीचे है, ठीक है, तो पहला तो 7 को इधर लेके जाना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो एक काम करो, आपके पास दो तरीके हैं, या तो पूरा पलट दो, ये ऊपर जाएगा और इसको भी पलट दो। अब आप बोलोगे सर कैसे पलटेंगे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो जब नीचे कुछ नहीं होता है 1 लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5। यहाँ तक समझ आ गया, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 7/5। अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो एक काम करो, हमारे पास क्या था 7/x = 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 = 5x, ये तो ईजी है। अच्छा, एक्स वाले को लेफ्ट में रखो, 7 को राइट में। देखो यहाँ पे आप ये मत समझना कि सर आपने साइन चेंज नहीं किया, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरी चीज़ को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, जस्ट पलट दे रहा हूँ उसे, ठीक है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये 5 नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ईजी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 5 × 4 = 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 8x। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, इस पूरी चीज़ को पूरा पलट के लिख दो, ठीक है, पूरा ही पलट के लिख रहे हैं, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये 8 को नीचे लेके चले जाओ और ये आ गया आंसर। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 5 × 20, आई मीन 4 × 5 = 20 एंड 4 × 2 = 8, तो ये आएगा 5/2। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके ध्यान रखो, 6 का जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 6x-24, दोनों से करना पड़ता है, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अच्छा अब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का, ये आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा ये प्लस किया तो ये हो जाएगा 45 और एक्स आ जाएगा 45/6, और आप चाहो तो इसको काट सकते हो 3 से, 15 या 45, 3 2 6, ये आंसर आ गया। क्लियर? एंड नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, यहां पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर ध्यान से देखो, इसका इधर हुआ तो 10 होगा, लेकिन जब इसका इधर होगा 7 से इसका करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 का एक्स से होगा और 7 का इससे होगा। यहां तक समझ आ गया? अच्छा पूरी चीज को उठा के लेफ्ट में रख दो और ये पूरा उठा के राइट में, ठीक है, क्योंकि एक्स वाला लेफ्ट में अच्छा लगता है। ओके और साइन चेंज नहीं करने क्योंकि हमने पूरा का पूरा ही पलट दिया है। अच्छा जब हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अब केवल इसे लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस का 18 आ गया क्योंकि 20 में से 28 गया तो 18, और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर एक्स, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। ऑलराइट तो ये जो क्वेश्चंस थे इससे आई एम श्योर आपके जो वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना अब आपके लिए आसान रहेगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि दोबारा वीडियो लेके आऊँ और शायद आपको समझा पाऊँ। तो इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।